असल मैं फॉर्चुअली आप देख रहे हैं फॉर्चुअली पैट्स। आपको पता कि ब्लीड एसडब्ल्यू पैट हाउस वाले जो ब्लीड है मामू है उनको मैंने कब सेल किया था लियो जिनका उन्होंने नाम रखा था। उन पता नहीं कोई गलती से या पता नहीं क्या उनको भी आइडिया नहीं है एग्जैक्ट। वो क्योंकि गार्ड नहीं थे, किसी ज़रूरी काम से इस्लामाबाद गए थे तो पीछे रहे, पता नहीं कब के ऊपर कोई चीज़ गिर गई है क्या हुआ, उसकी ना टांग टूट गई। उनका सारा बिहेवियर, इसकी सारी ट्रीटमेंट एक मुख्तलिफ होती है। तो मैंने उन्हें कहा कि यार आप मुझे भेजो वापस, मैं इधर से इंशाल्लाह ट्रीटमेंट करवा दूँ, इसको ओके करके आना। आज उसको कुछ दिन हमने भी कोशिश की कि वैसे ठीक हो जाए मल्टीविटामिन और कुछ चीज़ों से, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मैं यही कहूँगा कि बेचारा नहीं हो सका ठीक, बल्कि दिन ब दिन दर्द बढ़ती जा रही। फिर मैंने कल ही डॉक्टर से अपॉइंटमेंट ले ली, आज उसका है ऑपरेट, मतलब सर्जरी होगी प्रॉपर, तो ऑपरेट डलेगी, हर चीज़ होगा। आप सब लोग दुआ कीजिएगा कि वो इंशाल्लाह जल्द से जल्द ठीक हो जाए। अभी बस मैं जाऊँगा कोई डॉक्टर के पास जाके देखते हैं। अब एक होल लाइन का मैंने दिया हुआ था जो किसी और जगह, उस तो क्या हुआ उसने कोई चीज़ खा ली, तो वो मुझे कहें यार ये झुक के चल रहा है इसका, ये इसकी भी टांग खराब है, कि यार ये इस तरह नहीं हो जाएगा हर चीज़ के। मैं कहा वीडियो भेजा, उन्होंने भेजी तो मुझे लगा कि जैसे वाकई उसके ना टांग टूट गई है। मैंने कहा मैं आता हूँ आपके पास, मैं खुद ही जैसे उनके पास गया, आउट ऑफ सिटी गया, उनसे जाके देखा, लेकिन उसकी टांग नहीं टूटी हुई थी, उसको कोई और इशू था। वो मैंने देखा तो मुझे आइडिया हो गया, मैंने कहा यार नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह टांग नहीं टूटी, कोई और इशू है और ये इशू कुछ दिन में ठीक हो जाए। देखें वो लकब ये है जिसकी वो टांग का कह रहे थे ना, नौ बच्चे नौ क्या बात है, ये देखें वो लाइन का भी ये है, माशाल्लाह बिल्कुल फिट है, ओके है, पर एक छोटा बेहतर हो जाएगा। देखें ये बिल्कुल कुछ न्यू एंट्री हुई है बर्ड्स में भी मेरे पास, हर कोई आके मुझे कहता था यार ऊपर वाला सेटअप खा लिया, तो मैंने कहा चलो कुछ ना कुछ परचेजिंग साथ साथ शुरू करें, तो मैंने कुछ बर्ड्स लव बर्ड्स परचेज किए हैं, तो अभी होर भी करने हैं इंशाल्लाह। उम्मीद है कि कोई 100-200-300 पीस करूँगा। अभी कुछ हुए हैं वो मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिएगा माशाल्लाह, ये मैंने लव बर्ड्स परचेज किए अभी, ये अल्बाइनो रेड आइज और ये है, तो अभी इंशाल्लाह होर भी करते हैं साथ साथ। अब इसको करते हैं जी जेट बॉक्स में बंद, और ये बहुत अच्छा ट्रेंड है जेट बॉक्स का, ये चेक कीजिएगा जो अच्छा है, बहुत मजे की बात, ये जेट बॉक्स का ट्रेंड है, इसका जेट बॉक्स खोलते हैं खुद ही अंदर चला जाते हैं, मैं भी आपको करके दिखाते हैं, देखिएगा खुद ही बंद भी हो गया, अब इसको बंद कर देंगे इधर, ठीक है जी, ये हो गया पैक जेट बॉक्स में, इसको रखते हैं गाड़ी में, दूसरा जेट बॉक्स भी रखते हैं गाड़ी में, क्योंकि लियो जोन्स है वो है फार्म पर, इधर से चलते हैं फार्म पर, लियो को रखते हैं जेट बॉक्स में पैक करते हैं और डॉक्टर के पास चल जाते हैं, क्योंकि उधर की अपॉइंटमेंट मिली हुई है, टाइम छोट रह गया, उनके पास जाते हैं इंशाल्लाह ट्रीटमेंट करें, ओके जी। अच्छा सिम्बा पीछे देख रहे हैं आप, सिम्बा आ गया मेरे साथ, भाई मैं फार्म पर पहुंचने वाला हूं, फार्म पर पहुंच के लियो को भी रखते हैं, तो मेन तो जाना है लियो के लिए, लियो की ट्रीटमेंट करवानी है, लियो की सर्जरी होनी है, जो भी होना है वो करना है, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि एक लाइन लेके जाएँ तो दूसरा भी एक दो ऐसे डॉक्टर को दिखा दें वो भी ज़रा बेहतर होता है, तो वो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बेहतर हो गया। कल भी मैंने दोबारा, कल मैंने सिम्बा को डॉक्टर से चेकअप करवाया, कल तो कुछ हमने जो सोचा था मिलके एक फैसला और जो किया उसके मुताबिक ना जो रिकवरी या जो आप समझ लेना बेहतरी वो उस तरह नहीं आई, क्योंकि आज मैंने फिर सोचा कि लियो के साथ साथ हम सिम्बा का भी एक दोबारा ना चेकअप प्रॉपर करा लें। बस लियो को पकड़ते हैं, रखते हैं गाड़ी में, फार्म का बाद में वापसी पे व्यू दिखाऊंगा, बस पकड़ के साथ ही हम निकलते हैं, क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा हो गया है, जिस टाइम पे उन्होंने कहा था मेरे पास पहुँचना उतने टाइम पे तो मैं अभी फार्म पर भी नहीं पहुँचा, तो बस वो रिसीव करते हैं तो फिर निकलते हैं। फार्म पर मैं पहुँच गया हूँ, ये देखें, तो बस जाते हैं जाके लियो को रखते हैं और निकलते हैं। मोर उसके बाद मुराम, उसके अलावा ये ईगल और दूसरी चीज़ों को आके मिलते हैं, अभी पहले डॉक्टर के पास ले जाएँ। लियो 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 नहीं खाया लियो ने, चलो कोई नहीं आप ना ठाक लो लियो को, ये देखें लियो सब भी बेचारे से ना उठा नहीं जा, ये लियो और सिम्बा को रख दिया पीछे, एक में लियो है एक में सिम्बा है, अब जा रहे हैं डॉक्टर के पास, तो जाकर बताता हूँ क्या अपडेट है। मैं पहुँच गया हूँ क्लिनिक के पास, ये आ गया क्लिनिक, ये देख रहे हैं, ये मैं दोनों को लेके जा रहा हूँ लियो और सिम्बा को, ये देख लें पैसे भी लेके जा रहा हूँ जो डॉक्टर साहब को दे दिए, तभी पहुँच के करते हैं बात। मैं पहुँच गया हूँ डॉक्टर साहब के पास क्लिनिक पे, और ये दिखाते हैं देखें, ये रहा सिम्बा और लियो, ये इसका वेट की है तकरीबन 6.5 किलो के करीब है इसका वजन।
अगली दो जगह से टूटी है, दो हड्डियां और पिछली ये बचत हो गई पिछली लेग की। ये बेंड हुई है एकदम, ये टूट भी गई और नीचे से भी टूट गई है। अब कितने हो गए टोटल? चार फ्रैक्चर है। चार फ्रैक्चर्स कम से कम 3 प्लेट्स तो लगेंगी, हो सकता है 4 प्लेटें लाने को। ओहो, तो भी नहीं कौन सी पेशेंट है यहाँ से यहाँ तक। ये सिंबा के लाते हैं। हाँ ये ज़्यादा हो गया। अच्छा व्यूवर्स, निकल आया हूँ मैं क्लिनिक से वापस। जो सिंबा है उसका तो मसला पता लग गया, और उसकी मेडिकेशन मुझे ज़्यादा बेहतर पता थी, और मैंने डॉक्टर साहब से मशवरा किया, उन्होंने कहा बहुत बेहतरीन परफेक्ट है, क्योंकि मेरे पास जो आज से 2 साल पहले एक लाइनस थी ना जिसका नाम लाइजा था, उसको सेम यही मसला हुआ था, तो अल्हम्दुलिल्लाह वो तो बिल्कुल फिट हो गई थी। अच्छा उसका तो मुझे हल्का पता था सिम्बा को क्या ट्रीटमेंट देनी है क्या नहीं, वो कर ली है। बकाया ना लियो की कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब है, लियो की लेग जोन सी है वो 4 से 5 जगह से ब्रेक हो गई हुई है। बकाया वलीद भाई को अब मैंने कहा कि आप कल खुद आएँ, क्योंकि ना ये स्वेर मतलब क्या समझ लें सर्जरी है, एक जगह से नहीं पूरा एक किस्म का अगली लेग भी पिछली लेग भी दोनों की होनी है, और एक जगह से नहीं टूटी दो दो जगह से टूटी हुई है, और तो उनका आना ना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि एक दफ़ा वो अपनी नज़र के सामने होंगे ना तो उनको भी आइडिया हो रहा कि क्या हो रहा है, कैसी ट्रीटमेंट हो रही है, क्या चक्कर है। तो इंशाल्लाह कल वलीद भाई और मामू सारे आ रहे हैं लाहौर, तो फिर कल इसकी अब ट्रीटमेंट कराएंगे, क्योंकि ट्रीटमेंट भी लंबी है, और कल का डॉक्टर से ले ली हुई है अपॉइंटमेंट, बुक करा लिया दोबारा, तो कल हम आएंगे दोबारा, तो इंशाल्लाह कल लियो को प्रॉपर ट्रीटमेंट करवा के उसको फिट तंदुरुस्त बना लेंगे। अब मैं जा रहा हूँ फार्म पर, तो फार्म पर जाके वो अपने दूसरे जानवर देखता हूँ, और काफ़ी दिन हो गए नहीं देख पाया, बकाई गल बाउल वगैरह हर चीज़ देखते हैं कि वो कैसे जा रहे हैं, फिट हैं, और फिर आपको जाके अपडेट करता हूँ। इंशाल्लाह वर्ड्स फार्म पर आ गया हूँ। ये रहा हमारे पीछे लियो, लियो देख रहे हैं, लियो ये रहा, और सिम्बा जो था सिम्बा अंदर ही है, सिम्बा को भी मैं खोलता हूँ। सिम्बा 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 आ जाओ भाई, ये आ गया सिम्बा भी भाई, ये हमारी हुरम हुरम, क्या बात हो रहा राम, क्या बात, ये रहा हमारा सिम्बा। अब आपको लेके चलता हूँ अपने दूसरे जानवरों की तरफ, मोर ये रहे सारे माशाल्लाह, मोर फिट हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और देखो खेल रहा है एक अंदर, तो वो मोड़ नहीं है मेरे ख्याल से, और देखें मोड़ नहीं अंदर फ्रेश हो रही है अल्हम्दुलिल्लाह, सारे फिट हैं। उसके अलावा अगले केज में हमारे ये रखें, ये रहा हमारा पैरेट बी का मेल मुर्गा, उसके अलावा जो फार्म के ब्रीडिंग पेयर है मोर के, जो ब्रीडिंग पेयर रखे हुए हैं वो दिखाता हूँ आपको, और ये रे चेक करें, ये फार्म का ब्रीडर पेयर, ये मेल और ये 3 फीमेल्स, यस माशाल्लाह, ये मेल रहा, ये पीछे 3 फीमेल्स हैं। उसके बाद आ गया हमारा रेस्क्यूड बर्ड जो है लीगल, वो दिखाता हूँ आपको, ये रहे अपने, ये बकाया कुछ रेस्क्यूड बर्ड्स हैं जो उनसे वैसे ओपन पड़े हुए हैं, एक ये है, दो वो उसके पीछे हैं, तो ये भी घूम फिर रहे हैं बकाया। अब इनका सेटिंग करते हैं, इनको लियो और सिम्बा को किस में किस केज में रखना है, पूरा हम आइए बाहर देखने के ये सिम्बा क्या है क्या चक्कर है, चलो और इनको आपस में छोड़ते हैं देखते हैं। पेट फार्म पर ना, तो उसको अब हमने करना है अपने दूसरे पेट्स के साथ शिफ्ट, लेकिन उससे पहले आपको पता है मेरी आदत के उससे पहले हम एहतियात के लिए स्प्रे लाजमी करते हैं, तो वो पहले से कर दें, तो इससे पहले वो स्प्रे करते हैं, फिर उसके बाद देखते हैं कि भाई जान इसको हुड़म के साथ छोड़ते हैं क्या करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह जो सिम्बा हमारा वो बिल्कुल बेहतर हो गया, जो उसका मसला था वो हल हो गया, ये देखें वो वॉशरूम करने लग गया,
तो इंशाल्लाह इंशाल्लाह ये विद इन अ डे और टू डे में बिल्कुल फिट हो जाएगा इंशाल्लाह। तो कह लें जी ये हुरम उसको बुला रही है, वो इसको बुला रहा है, तो करते हैं कोशिश इनको आपस में साथ छोड़ते हैं, देखते हैं क्या बनता है।